नाइस टू मीट यू ऑल. आप लोग जब भी कभी भी आते हो, मेरे आज की 40 साल पुरानी की कहानी चलती है कि प्रेस वाले और हमारे बीच में एक ऐसा नाता होता है कि चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, तो चाहे वो फिल्म का फंक्शन हो, तो बीच में कुछ जाते हैं. सर मोदी जी का क्या हो रहा है? अरे बाबा, फिल्म के फंक्शन की बात करो ना. उनको पता है कि मुकेश खन्ना बहुत बोल देता है. तो मैं आप लोगों के साथ, मेरा एक अच्छा रिश्ता है. आज हम मिले हैं, उसके पीछे भी एक स्पेशल, मैं समझता हूँ एक अलग किस्म का एक प्रोग्राम सामने आया है. ये हमारे कैलाश पवार जी हैं. ये मेरे पास लेकर आए थे, एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जिसका नाम है ईश्वर की अनुभूति. ये आप लोगों को, मुझे क्यों डिफरेंट लगा, क्योंकि हम एक, ये ऐसा प्रश्न है जो जिसका जानकारी सबको है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है. ईश्वर है. जो आदमी बोलता है ईश्वर नहीं है, मैं उसको बोलता हूँ इडियट है. वो तूने बनाया, तेरे बाप ने बनाया, ये तारे वो ये कुछ ना कुछ कोई, लेकिन है लोग. आज भी नास्तिक लोग भी है, आज भी कम्युनिस्ट लोग भी हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते. एक पूरा का पूरा तबका है जो जानते हुए भी, शायद हमारे हिंदुस्तान से बाहर बैठे वाले लोगों को लगता है कि ईश्वर नहीं है. बट मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग आज, हम लोग जिस तरह के संघर्ष में बैठे हैं, जहां पर एक वर्ड बहुत बाहर निकल कर आया जिसका नाम है सनातन धर्म. हम आज तक हिंदू 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 धर्म बोलते थे, आज सनातन एक वर्ड निकला है जो निरंतर चलने वाली चीज को सनातन कहते हैं. और ये हमारा जो धर्म है, हिंदू का धर्म है, वो सनातन धर्म है. और उसके अंदर अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ रहा है और लोगों के रिएक्शंस भी शुरू हो गए, विरोध भी शुरू हो गया है कि भाई आप क्यों करते हैं. तो मैं बताता हूँ कि ये प्रोग्राम उसी सनातन धर्म को, ये मैं कह सकता हूँ कि सनातन धर्म को को आधार मानकर चल रहा है. हम मानते हैं कि हमारा धर्म हजारों सालों पुराना धर्म है, आदि पुरुष आदि समय से चला आ रहा है, वेद पुराण है सब जगह में. हमारा जो एक हम लोगों की जो, देखिए धर्म और रिलीजन में फर्क होता है. रिलीजन वो होता है जिसके अंदर हम रीति रिवाज करते हैं. भाई यार रोज सुबह उठ के ये करने का, गंगा में डुबकी लगाने का, पंडित को लेकर तो ये डालने का, वो डालने का, जनेऊ पहनने का, सुबह उठ के उपवास रखने का, 17 दिन उपवास, ये सब रिलीजन्स होते हैं जिसमें गुट और संप्रदाय बनते हैं. लेकिन धर्म हमारा सनातन धर्म है, जो जो हमारे को जीने का तरीका, हम उसको अनुभूत करते हैं. हमारा हिंदू धर्म ये नहीं बोलता कि सुबह उठकर इसको ये करना या सूरज को प्रणाम करना, ये हमारा धर्म है. हमारा धर्म यह है कि हम किस तरह की जिंदगी निभाएं और हम अपने अंदर के बैठे हुए दैवत्व को जगाएं. हमारे अंदर खुद दैवत्व है, भगवान है. इस प्रोग्राम की जो मुझे नई चीज लगी वो USP लगी कि इसमें मैं, ऑफ कोर्स मैं एंकर करने वाला हूँ. इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा है, मैंने इमीडिएटली कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है. इसमें हम बड़े बड़े महानुभावों को, नो वी माइट स्टार्ट फ्रॉम इवन PMOs, वी माइट इवन गो फॉर दी हमारे अमित शाह जी से लेकर मोहन भागवत जी से भी कॉन्टैक्ट हुआ है, सबसे कॉन्टैक्ट हुआ है. मैं हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सब महानुभावों को पूछना चाहते हैं कि कभी आपको ईश्वर की अनुभूति हुई है? बोलते तो सब हैं कि ईश्वर है, पर ईश्वर के दर्शन किसी ने किए हैं? और मैं समझता हूँ आप में से भी कई लोगों ने मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर आपके सामने कभी नहीं आया. इतना आसान नहीं, उसके लिए आपकी आत्मा को, आपकी आत्मा को उस लेवल तक जाना चाहिए जहाँ तक वो परमात्मा आपके सामने आने के लिए तैयार हो जाए. हम उस आत्मिक विकास तक नहीं पहुँचे, हमारे में से 10 में से 9 नहीं पहुँचे. एक बिरला होता है जो मीराबाई होती है, जो मूर्ति में समा गई थी, जिसको कृष्ण दिखता था. एक बड़े बड़े संत हमारे गुजरे हैं जिन्होंने दर्शन किया है. एक संत थे हमारे महाराष्ट्र में जिनके लिए शायद गरुड़ नीचे आया था, जो उनको लेकर गया था, उनको जो उन्होंने जो प्राण त्यागे. नाउ अवर प्रोग्राम की सबसे बड़ी जो एक एम है, आप बताइए, आप मानते हैं पहली बात ईश्वर में मानते हैं? नास्तिक बोलेगा शायद नहीं मानता, लेकिन अगर आप मानते हैं, कभी आपको उसके दर्शन हुए उनके? तीसरा सवाल है, चलो दर्शन नहीं हुए, कभी आपको लगा है कि अनुभूति के भी है ईश्वर? जैसे कई बार हम जिंदगी में चलते हैं, हम नहीं मानते, हम बोलते रहे हमारे पास बहुत पैसा है, हमने ये हुआ कमाया है वो है, और हम कभी कभी ध्यान भी नहीं देते. लेकिन अचानक एक जगह पर आके हम रुकते हैं और शायद हो सकता है कि हमारा एक्सीडेंट बच गया होता है, हम मरते मरते बचे होते हैं, या कुछ ऐसी बात होती है, हमको लगता है
की है, कोई है ऊपर है, वो ही ईश्वर है, उसी की अनुभूति हम जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। कभी आपकी जिंदगी में आपको ये एहसास हुआ कि ऊपर वाला है? लोग मानते नहीं, लोग बोलते सबूत दिखाओ। हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड हो गया है, हर चीज के सबूत मांगता है, इवन रामायण महाभारत के सबूत मांगे जाते हैं। द्वारका दिखानी पड़ती है हमको, देखो द्वारका है, हमको दिखाना पड़ता है राम सेतु है, कौरव पांडव की गुफाएं हैं, क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि अभी भी महाभारत रामायण को ये लोग माइथोलॉजिकल मानते हैं, मैं नहीं मानता, मैं समझता हूँ हमारा इतिहास है, 5000 साल पुराना होगा या जितना भी होगा। हमारा ये वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बन गया है और इसको साइंस ने टेक ओवर कर दिया है, धर्म के ऊपर साइंस चढ़ गया है। साइंस ने धीरे धीरे सवाल पूछना शुरू किया है, वेयर इज गॉड, टेल मी, शो मी, कहाँ है, किधर है तो सामने क्यों नहीं आता? ये प्रोग्राम मैं हर इंसान की बड़े लेवल से लेकर इवन हम कॉमन मैन तक भी आएंगे और पूछेंगे कि कभी आपको जिंदगी में ये अनुभूति हुई है कि इस युग को, इस दुनिया को चलाने वाला कोई है ऊपर। सो दिस इज आवर प्रोग्राम, ये पवार जी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं इसको किसी भी चैनल में डालें कि OTT में डालें, अभी तक ये ओपन रखा है हमने, हम पहले बनाएंगे और फिर हम बाद में डील करेंगे कि हम कहाँ चलाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम पब्लिक तक पहुँचे जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो सौभाग्य समझता हूँ मेरा कि इस शो के लिए वो एंकरिंग कर रहे हमारे साथ हैं, उनके माध्यम से और इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग हिंदुस्तान के एक सनातन भारत को एक अच्छा ईश्वर की अनुभूति लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। सब बाकी तो सर ने सब कुछ बोल दिया जी, और सर का मार्गदर्शन आशीर्वाद और सब कुछ सर हमें सहायक है, क्योंकि ये ईश्वर है, एक ईश्वर क्या है और ईश्वर की अनुभूति किस तरह से आती है वो सब सर बताएंगे। ईश्वर की अनुभूति है, मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ हिंदुओं को अनुभूति होती है, इवन फॉरेन कंट्री में रहने वाले जर्मनी से लेकर आज तो दे पूरा वर्ल्ड बट गया है, जापान किंग उधर से, रशिया उधर से, कतार उधर से, ईरान, इराक, लेबनान, हमस, इन सब लोगों के लिए अगर हम बोले कि इन लोगों को ईश्वर की अनुभूति नहीं होती तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो भी हमारी तरह से हार्ड मास के पुतले हैं जिसके अंदर आत्मा है और आत्मा की कोई जात नहीं होती, आत्मा की कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता, वो हमारे अंदर आके बैठ जाता है और हम उसका जन्म हम मेरे शरीर में होना था, इनकी आत्मा का इनके शरीर में, आप सभी लोगों के अंदर एक आत्मा है जो भुगत रही है इस टाइम को और उसका हिसाब किताब ऊपर से होता है कि आप नेक्स्ट बर्थ में कहाँ जाएंगे, ये हम मानते हैं, बाहर वाले नहीं मानते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं और वो राइट है या हम राइट हैं वो गलत है, हमें पता है कि हम राइट हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर उन लोगों को ये उन लोगों को ये विरोध करने वाले भी बैठे हुए हैं तो मैं कहूँगा कि वो इसलिए नहीं कि वो हमसे, मैं ये कहूँगा कि वो अज्ञानी है, हमारे पास ज्ञान है उनके पास नहीं है, जहाँ पर जाकर रह गए वहाँ पर इस ज्ञान को दबा दिया गया है, जो हमारा सनातन धर्म जिसको कहते हैं, जाके अलग अलग गुट संप्रदाय बन गए हैं और कोई भी गुट संप्रदाय अपने हिसाब से सोचता है, पब्लिक को अपने हिसाब से चलाता है। तो अनुभूति सिर्फ इंडिया में ही है, भारत में ही है, भारतीयों के लिए है, हिंदुओं के लिए है, मैं थोड़ी दृष्टता कहूँगा कि ये अनुभूति इवन मुस्लिम्स के लिए भी होनी चाहिए होगी, क्रिश्चियंस के लिए भी होनी चाहिए होगी, सिख के लिए होगी, ज्यूज के लिए होगी, बौद्ध के लिए होगी, जैन के लिए होगी। बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रश्न है जिसका जवाब अभी तक कोई प्रॉपरली दे नहीं पाया है, हो सकता है कि हमारे इस प्रोग्राम में कई न कोई ज्ञानी पुरुष आके हमको बताए कि भाई देखो ईश्वर की अनुभूति होती है। सो अभी मैं चाहूँगा कि अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना हो किसी ने, तो आपने कहा इसमें PMO अमित शाह जी और मोहन भागवत जी को बुलाएंगे, तो इसके उनको बुलाने का मेन उद्देश्य क्या है? इस तरह के शो में अक्सर देखा जाता है सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है या फिर अलग तरह के लोगों को बुलाया जाता है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं उसका निवारण भी कर दूं कि हमारा मकसद आपको भी बुलाने का है, एक दिन हम आपको भी बुलाएंगे, पर हम शुरुआत करना चाहते हैं कहीं ना कहीं से, हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले ऊपर क्यों पहुंचे उसके पीछे भी भगवान की कुछ न कुछ एक 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 डेस्टिनी होती है। जैसे मोदी जी साहब बोलते हैं कि चाय बेचता था मैं
और चाय बेचने वाला आदमी आज प्राइम मिनिस्टर बन गया है, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने एक जगह पर उसको ऐसे आदमी से मिलाया होगा जो उसके माध्यम बना होगा आगे जाने के लिए। देखिए हमारे जिंदगी में अपॉर्चुनिटी दरवाजे पर नॉक करती है। जो आदमी आलसी होता है खोलता नहीं है, अपॉर्चुनिटी चली जाती है। जो उठ के खोलता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मोदी जी जैसे लोगों ने, अमित शाह जैसे लोगों ने, भागवत जी जैसे लोगों ने आज इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे आपका कर्म कितना है और भाग्य कितना है। आपका कहीं आपको जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ गया हो? ऐसे नहीं बन जाते मोदी जी कोई, ऐसे कोई अमित शाह नहीं बन जाता, ऐसे कोई अडानी भी नहीं बन जाता, कोई रिलायंस का कोई अंबानी भी नहीं बन पाता, उनके पीछे कर्म होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में, अभी मैं आज एक पेपर में किसी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, मैं समझता था कि बहुत बड़े इंडस्ट्री लिस्ट है, बट इंटरव्यू में बताया गया कि वो कंडक्टर का बेटा था और वो बोलता मैं कमाई के लिए रिक्शा चलाता था, मैंने बर्तन साफ किए। अब वो आदमी आज ऐसी सिचुएशन पे पहुंचा हुआ है जहां मेरे को सोचना पड़ा कि ये किसी बड़े घराने का है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी भी तरह से ऊपर आता है। तो वाई आर वी सेलेक्टिंग द टॉप पीपल? इट इज नॉट बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज, दे आर सेलिब्रिटीज। आई वुड लाइक टू नो, आप सेलिब्रिटीज बने इसके पीछे आपका कोई अनुभव या आपका कोई किसी ने कोई डायरेक्शन दिया हो या किसी ने आपको अनुभव दिया हो? हर शख्स के पास है। पर अगर मैं छोटे से लेवल के लोगों को, जैसे आप बोलते हैं कि उनको क्यों पकड़ते हो, ना टेक स्ट्रीट के, जैसे आप लोग रस्ते पूछते हो आपको कैसा लगता है, हमस कैसा लगता है आपको, पाकिस्तान कैसा लगता है, हम भी पूछ सकते हैं पकड़ के आपको अनुभूति हुई क्या। अब वो बोलेंगे लेकिन वो आदमी का अनुभव नहीं है इतना कि वो उनको पूरे का पूरा आंसर दे पाए। बोलेगा साहब हमको नहीं मालूम है कि नहीं, क्योंकि उसको कुछ अभी तक मिला नहीं है, अगर मिलता तो बोलता भगवान। राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाएंगे साहब? राहुल गांधी कभी इधर, कभी इस खेमे में होता है, कभी उस खेमे में होता है, कभी कहता है मैं पंडित जनेबू वाला पंडित हूँ, कभी बोलता है कि मैं पारसी हूँ, कभी वो बोलता है वो मुस्लिम के फादर का। आई वुड लाइक टू नो आप असली हैं कौन। एक प्रोग्राम में तो वो बोल गए थे कि मैं ये हूँ जो हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, राहुल गांधी भी नहीं हूँ मैं। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। आई वुड लाइक टू नो कि आप सिर्फ ये इफेक्ट के लिए बोलते हैं या आपका दिमाग, क्योंकि देखो हर नेता का एक पंचलाइन होता है, एक सोचने का तरीका होता है, एक विचारधारा होती है और वो एक सोच के चलता है कि आज मेरे, अभी देखो मैं भी एक कलाकार हूँ, अभी मैं अगर आपके सामने आज आया हूँ तो मैंने कोई तैयारी नहीं की है। ये मुझे पूछ रहे थे कुछ सर कुछ डिस्कशन करना, मैंने कहा छोड़ मैं बदनाम हूँ, जब मैं मुँह खोलता हूँ तो कुछ भी बोल जाता हूँ। पर बैक ऑफ द माइंड में मेरा था कि कौन आने वाला है, बैक ऑफ द माइंड मेरा ये था कि क्या मेरे को किसके ऊपर बोलना है, इट्स इनफ फॉर मी। सो फिर मैं एक अपना बना लेता हूँ कि मेरे को इधर बोलना है कि उधर बोलना है। अर्णव के प्रोग्राम से जब मेरे को बुलाया जाता है तो वो पूछती है सर आप पक्ष में बोलेंगे कि विपक्ष में बोलेंगे। अरे मैंने कहा साहब ये क्या होता है, तभी ये लोग चिल्लाते एक दूसरे को, जैसे डिबेट हम स्कूल में करते थे, एक इधर लड़का खड़ा फिर एक लड़का खड़ा, मतलब पहले से डिसाइड हो जाता है कि मुकेश जी जो है वो बॉलीवुड के खिलाफ बोलने वाले हैं और ये जितने बैठे हुए लोग हैं बॉलीवुड के फेवर में बोलने वाले। बट दिस इज नॉट राइट। मैं बोलूँगा देखो जो सच है उसके फेवर में जाने वाला। सो आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको कि हम क्यों जा रहे हैं, टॉप से क्यों जा रहे हैं, करेक्ट। और अगर महाराष्ट्र के नेताओं को बुलाने का मौका मिले, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तो किसको बुलाएंगे और क्यों बुलाएंगे? तीनों को बुलाएंगे सर। हमारे लिए कोई, हमारे लिए उद्धव ठाकरे और शिंदे जी में कोई फर्क नहीं है। उद्धव ठाकरे जी ने जो कुछ किया वो क्यों किया वो भी जानना है मेरे को, शिंदे जी ने जो कुछ भी किया वो मुझे जानना है, और शरद पवार जी ने जो कुछ किया और वो क्या करते किसी को नहीं मालूम पड़ता, वो सडनली करते हैं, तो वेरी इंटरेस्टिंग। अभी अभी अगेन यू नो अभी ये सब मुंगेरी लाल के सपने नहीं है, ये हम सोच रहे हैं। अब करना ना करना ये हमारे, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो आज खड़ा हो जाऊँ जीत जाऊँगा, यहाँ भीष्म पितामह खड़े हैं, शक्तिमान खड़े हैं, मैं हाथ जोड़ दूँ वोट मिल जाएगा, मुझे नहीं बनना, मैं पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकता, मैं बहुत फ्रैंक हूँ जो गले में आते बोलता हूँ। ये पॉलिटिक्स से आए तो इनको पूछो कि भाई ये डिसाइड करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर मेरा फोन जाता है तो बोल हाँ मुकेश जी करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी गेट पीपल टू टॉक। सर शो का मकसद क्या होगा, क्या यह शो लाइव शो होगा, लोगों का अवगत कराया जाएगा कि हमारी जो संस्कार है, हमारी जो पावर है, जो हमारी हम जो सोचते हैं क्या वह सही होता, इस तरह का कुछ शो होगा सर? देखिए हमारा शो, अगर आप मेरे को बोले पीछे से, तो सनातन धर्म को बढ़ाने का मकसद है, क्योंकि सनातन धर्म ही इस वक्त एक ही धर्म है जो किसी भी इंसान को सही मार्ग जीने का देगा। जो भूल चुका है वो अपने दादाजी को भी नाम भी भूल जाएगा,
जिससे सनातनी नहीं है, जो धर्म है वो है। हमारा मकसद ये है, हमारा मकसद ये बताना है कि ईश्वर में आस्था रखो, अंधविश्वास में मत जाओ। मंदिरों के चक्कर खा के आपका काम पूरा हो जाएगा, मैं इसके खिलाफ। मैंने अपने ऑफिस में खुद एक छोटा सा मंदिर बना रखा है, मैं किसी कमरे में बैठ के योगा कर लेता हूँ, मेडिटेशन कर लेता हूँ। देर इज नो इन बिटवीन फॉर मी, जो कोई एजेंट है और मैं आपको भगवान से मिलाता हूँ, यहाँ ये डाल दीजिए, वहाँ वही डाल दीजिए, आपको मैं नहीं बिलीव करता। सर कितना बिलीव करते हो सर इस चीज पे? किसमें? इस तरह जो इस प्रोग्राम में कितना बिलीव करता हूँ मुझे ये बार बार पूछा जाता है कि सर आप जैसे एक्टर OTT में क्यों नहीं है, आप जैसे एक्टर फिल्मों में क्यों नहीं है। मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं चूज करता हूँ बहुत, और मैं वही रोल करता हूँ जो मेरे अंदर से निकलता है, और मैं इसलिए आज तक मुझे आपने विलन नहीं देखा होगा, क्योंकि विलन करने जाऊंगा तो हीरो मारेगा, मैं लुक दूंगा, आप बोलेंगे कम करो, मेरे से नहीं होगा। तभी भीष्म पितामह कर पाया, शक्तिमान कर पाया। ये प्रोग्राम भी मेरे दिल को छुआ है, मेरे अंदर से निकलना चाहिए। इसी मेरे को ना करने में 2 मिनट लगते हैं इनको, ये मेरे पास, मैं इनको जानता तक नहीं था। ये आए मेरे ऑफिस में, जय मिश्रा इनको लेकर आए, बोला ऐसा ऐसा प्रोग्राम है। मैं सुनता हूँ और डिसाइड करता हूँ, और ना करना मैंने सीखा है, और ये दिलीप साहब से सीखा। यूसुफ भाई एक बार कहा करते थे, हम शूटिंग थे जब सौदागर में, मुकेश इस इंडस्ट्री में ना करना बहुत मुश्किल होता है, कोई ऑब्लिगेशन में करना पड़ता है, कोई प्रोड्यूसर आता है तो ना जो कर। और मैंने देखा, अब देखा एक फिल्म करते थे साल भर में, वो आजकल के एक्टर 10 फिल्म करते हैं एक साल में, ना करना नहीं आता, इसीलिए कभी बकवास भी करते हैं। देखो दिलीप साहब को सब जगह में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना करने में मैं बदनाम हो गया हूँ सर, अब सब ना। मैंने कहा हाँ देखो, मैं विलन नहीं करूँगा, मैं दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, मैं रोमांटिक सीन नहीं करूँगा, ये सब मेरे किंतु परंतु है। तो ये कर रहा हूँ तो ये इसलिए कि ये मेरे से अंदर से निकलने वाला प्रोग्राम है, और मैं इस पर बहुत कुछ बोल सकता हूँ। मतलब कोई मेरा भी इंटरव्यू ले ले तो मैं उसको भी तैयार हूँ, यहाँ से वहाँ बैठने को भी तैयार हूँ। सर आपने कहा सनातन धर्म को आगे बढ़ाना मेरा काम है और आगे ही रहना चाहिए, लेकिन जो है फिलहाल जो कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को जो है नीचे दबाते जा रहे हैं, अज्ञानी है वो लोग। मैं अगेन कहता हूँ कि जस्ट बिकॉज हम उपवास रखते हैं, अमेरिका वाला उपवास नहीं रखता, इसका मतलब क्या? क्या क्या वो कोई ऊपर से आया है, या कोई उसकी पाकिस्तान में रहने वालों को लोगों ने उन्होंने चूज किया? देखिए एक जमाने में, अगर आप महाभारत की भी हिस्ट्री करें या रामायण की भी हिस्ट्री करें, जो त्रेता युग और द्वापर युग है, उस टाइम भारत प्रधान था, भारत के ही से ही सभ्यता निकली थी, मैं ये मानता हूँ और मानना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ये प्रोग्राम जो लोग नहीं कहते वो लोग तो हमारे हिंदू धर्म को तो नीचा दिखाने की तो एक पूरी लॉबी है, आपको तो पता है उसका, जिसका नाम आपने रखा भी हुआ, कौन सा ल्यूटन्स लॉबी है, मुझे नहीं मालूम, नाम दे दिया गया उन्होंने कि ये लोग चाहते हैं कि हिंदू धर्म हमारा गिराया जाए, हमारे भारत को गिराया जाए। बट भारत एक भारत है, भारत बनने वाला चाहिए और अखंड भारत बने, ये मान के चलो। जी जी सर, आपने सर सनातन धर्म के अलावा भी बाकी धर्म के लोग भी अगर आपके एपिसोड में आना चाहते हैं तो क्या उन्हें ये अनुमति देंगे? पहली बात तो ये है कि इसकी कोई टिकट नहीं है, कोई वीजा नहीं है, और दूसरा इसका कोई धर्म नहीं है, जात नहीं। मैं जब सनातन धर्म बोलता हूँ तो मेरी जो रिसर्च है वो सनातन धर्म की है, लेकिन जिसको पता नहीं सनातन धर्म का है, सपोजिंग वो हो सकता है कि जर्मनी का एक आदमी हो, या अमेरिका का हो, या मुस्लिम हो, या सिख हो, या ईसाई हो, सिख को तो पता है हमारे हिंदू धर्म के बारे में, क्योंकि यही सिख हमारे हिंदू से निकले हुए हैं, यहाँ बौद्ध भी हमारे यहाँ से निकले हुए हैं, जैन भी हमारे यहाँ से निकले हुए हैं। लेकिन जितने बाकी और लोग हैं जो सनातन धर्म को सिर्फ नाम सुना हुआ है, आइए, क्योंकि मैं आपसे इसलिए नहीं बात करूँगा कि आप सनातनी हैं, मैं इसलिए बात करूंगा कि भगवान आपको भी दिखता होगा, आप उसको खुदा बोलो, आप उसको ईसा बोलो, मसीह बोलो, या अल्लाह अकबर बोलो, कुछ भी बोलो, कोई तो है जिसने ये तारों को चलाया है, हम चांद तक पहुंच गए, चांद को किसने बनाया है? न जर्मनी ने बनाया, न अमेरिका ने बनाया, तो कहीं ना कहीं भगवान तो है। सर कोशिश रहेगी बहुत जल्दी आने की, क्योंकि अभी तक हम लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, हम कहाँ डालेंगे ये, हम इसीलिए हमने आप लोगों को बुलाया है। इसी प्रेस का मकसद यही है कि आप लोग इसको इतना लिखें इसके बारे में कि कोई ना कोई समझदार आदमी आके हमको पूछे सर ये प्रोग्राम हमको दे दीजिए। सर एक शक्तिमान आपकी फिल्म अनाउंस की थी आपने, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट अगर बता सके? सनातन धर्म के अंदर शक्तिमान का चैप्टर नहीं आता। देखिए मैं एक
मैं एक फिल्म की उसमें गया था, लॉन्चिंग में या पता नहीं प्रीमियर था, भागम भाग या भागो क्या भागो भागते रहो, और उसके बीच में सडनली सब आप जैसे लोग घुस गए, सर सर आजकल देखा है सर वो मोदी जी की, सर आजकल आपको क्या लगता है कि, अरे मैंने कहा साहब फिल्म की बात करो ना, और फिर मैं शुरू हो जाता हूँ उनको, फिर मिलता है पूरा मसाला। आप भी शक्तिमान का मसाला मत लीजिए, मुझसे बहुत बोल चुका हूँ मैं, इतना एक लाइन बोल दूंगा कि शक्तिमान फिल्म आने वाली है, आएगी, आ रही है, बहुत बड़े लेवल पर आ रही है, 3 फिल्में हैं, सोनी इंटरनेशनल बना रहा है, जिसने स्पाइडरमैन बनाई थी, सोनी इंडियन नहीं है, सोनी इंटरनेशनल, इसलिए टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट करने। यार बार बार 3-4 से आता, बाकी लोग क्यों नहीं, धनुष भूल गए क्या, वो धनुष वाला कौन था, धनुष वाला वो धनुष, तुम्हारा धनुष में कोई हमारी धनुष सर 1-to-1 में होगी नहीं, पर वो फिर वो ये गलत है, फिर आप एक, आप एकता में बिलीव नहीं करते, आप इनके स्वभाव में भी कुछ बोलिए, फिर हम 1-to-1 करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, आजकल लोग धर्म इक्वालिटी को लेकर बहुत लड़ रहे हैं, कुछ लोग बोलते धर्म मेरा बड़ा है, कुछ लोग बोलते मेरा बड़ा है, धर्म परिवर्तन का भी मामले बहुत मुद्दे आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, उसको लेकर किस तरह की आप अपनी राय रखेंगे? देखिए अगर मैं बोलूंगा आपको बुरा लगेगा, लोगों को भी बुरा लगेगा, मैं ओपनली बोलता हूं कि हर सिख हिंदू का बड़ा भाई सिख होता है। जब गुरु गोविंद सिंह ने, उन्होंने जब मांगा था कि हमको पंच प्यारे मांगे थे, उन्होंने कहा था कि अपने परिवार में से कोई दीजिए, जिसकी टीम बनी और बढ़ती 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 सिखिज्म हो गया और आज सभी सिख हैं, पर उन सभी सिखों को मालूम होना चाहिए कि आपके दादा परदादा जो थे वो हिंदू थे। जैन निकले, बौद्ध, गौतम बुद्ध ने आकर अपना स्टार्ट किया, पंडितों के खिलाफ बोल गए, वो बोला कुछ नहीं है पंडित, आप आइए बैठिए ध्यान लगाइए, बुद्धम शरणम गच्छामी, और एक बुद्ध धर्म बन गया। जैन धर्म भी महावीर को लेकर चला, सब बोलते हैं, पर मैं बोलूं कि ये सारे धर्म हिंदू से निकले, इवन हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू धर्म से निकले हैं साहब, आपको बुरा लगे किसी को बुरा लगे, अगर उनके आप उनके हिस्ट्री देखिए ना, आपको मिलेगा, गंगा हरिद्वार में तो लिखते हैं कि आपके दादा परदादा भी यहाँ पर आए, तो उनके सिग्नेचर होते हैं। आप मालूम कीजिए कि एक मुस्लिम का नाम, परदादे का नाम शायद गांधी होगा या कोई ये होगा साहब, ये सब कन्वर्ट हुए। अभी आपने वर्ड यूज़ किया इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जो कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं हम, हमारे यहाँ पर जो इवन भागवत जी भी ने शुरू किया है, मैंने एक बार एक बड़े फंक्शन में कह दिया था, भागवत जी मेरे पीछे बैठे थे, और मैंने कहा देखिए सब कहते हैं कि मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म अपना, क्रिश्चियन धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। मैं बोला माय फुट भी मैं कहीं बोल रहा था कि हमारा धर्म था, है और रहेगा, ये सब हमारे में से निकले, और अगर आपको विजय चाहिए तो कुछ ऐसा करिए कि सब वापस आ जाए, बौद्ध वापस आ जाए, जैन बाबा, क्योंकि हमको 100 करोड़ लोगों को, मैंने हिंदू एकता दिवस शुरू किया, मैं चाहता हूं कि आप मंदिर में जाके बैठिए, जिस तरह मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, आप एक शाम को जाके पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ 100 करोड़, चलो 50 भी बैठ जाओ, हिंदू की एकता चाहिए, तो तब आपका नंबर बढ़ेगा। और तो इसमें कन्वर्जन नहीं है, ये लोग जो कर भी रहे अंदर से, इसको हम लोग घर वापसी बोल रहे हैं। मैंने नहीं शुरू किया, पर मैंने सुना है कि भागवत जी के यहाँ पर घर वापसी के प्रोग्राम होते हैं, होना चाहिए। आप अपने, हमारे घर से मुगल ने आके उठा के लेकर गए, साहब क्या बात कर रहे हैं, कौन बोलता मुगल के पहले ये सब नाम गिना के, देखो सर एक और पूरा इशू अलग है, मैं बाद में कभी बात करूंगा, जितने भी नाम हमारे हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं ना, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो या गढ़ हो या आप जितने भी नाम सिटीज के नाम चेंज हो गए, क्यों, क्योंकि उसके पहले मुगल ने आके वहां पर नाम चेंज कराया, मिर्जाबाद, फरुखाबाद, अहमदाबाद, प्रयागराज को अभी जाके चेंज किया। एवरी नेम शुड बी चेंज बैक। मेरे बंगले का घर का नाम अगर मैं, कोई आतंकवादी आता है घुस जाता है और वो हटा के भगा देता है और नाम बोलता है इसका नाम लिख दो इल्लल्लाहु या अरमहुल्ला खां या कुछ, मैं जब वापस आऊंगा तो क्या मैं रखूंगा उसको? जी मैं गुस्ताखी करूंगा, अगेन लोग बोलते सर आप ही बोलते हैं, इंडस्ट्री के खिलाफ बोलता हूँ, हमारे इंडस्ट्री में कुछ ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स बैठे हैं जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अगेन मैं उसको कम्युनिस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी एक लॉबी हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ न कुछ बोलने की है, उनको पब्लिसिटी मिल जाती है, वो न मुस्लिम के खिलाफ करते हैं न सिख के खिलाफ करते हैं। तो आप जो बोल रहे हो ना, जो लोग बोलते हैं फिल्में बनाते हैं, उनके पीछे मकसद सिर्फ उस फिल्म को पब्लिसिटी। मेरे जैसा आदमी इडियट बन जाता है जब उसके खिलाफ बहुत बोलता है और बाद में फिल्म सुपर डुपर भी हिट होती है, क्योंकि बाद में उनकी संधि हो जाती है जिन झगड़े कर रहे हैं। सो स्टॉप दैट। आज हिंदू जाग चुका है। आप आज वो ऐसी फिल्में नहीं बनेंगी जो पीके से लेकर ये जो आपने जो चप्पल पहना दी है, चमड़े की चप्पल राम को पहना दी है, मूछ लगा दी है राम को, रावण को कपड़े पहना दिए, किसी ने कहा ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में इसके कपड़े बने थे, आदि बोल। तो ऐसी फिल्म नहीं बननी चाहिए। रोको, उठो, जागो,
लोगों के बीच में कब जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं जी नेक्स्ट मंथ में आने की आ सकती है। ये शो है, टीवी शो है, मूवी नहीं है जी। क्या नहीं है? मूवी नहीं है, टीवी अच्छा, शो है जी, बिल्कुल। ये टीवी शो एंकर है, इस पे लिखा भी आपने कहा एक साल आ रहे हैं जो एपिसोड वाइज, इसीलिए हम बोलते हैं जब भागवत जी का बात करेंगे तो उनका एक एपिसोड होगा, बाकी लोगों का उनका एक एपिसोड होगा, और ये एक तरह का प्रोग्राम आएगा जिसका नाम होगा ईश्वर की अनुभूति। पहला जी, आप जो एक सनातन धर्म को मानता हूँ, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये सनातन धर्म का कार्य आगे बढ़े, जिसका हमारे हिंदुस्तान में काफी लोगों को ईश्वर से जो आस्था विश्वास कम हो रहा है, ये शो के माध्यम से जी सबका एक आत्मविश्वास, एक नया चैतन्य निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये शो के माध्यम से नास्तिक का आस्तिक में परिवर्तन होने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश है हमारी।